गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। हाँ जी, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना यूट्यूब सेटअप, यानी कि जो भी मैं वर्क करती हूँ उसे कहाँ पर एडिटिंग करती हूँ और मेरा जो घर पर सेटअप है वो कैसा है। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है गाइस। अगर आप लोगों को जानना है कि मैं किस तरीके से घर में अपना मतलब वीडियो एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो आप लोगों को ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, तभी जाके आप लोगों को पता चलेगा कि मैं किस तरीके से अपना वर्क करती हूँ। तो गाइज, वैसे भी मुझे मेरे एक दो सब्सक्राइबर का ये कमेंट आया हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका सेटअप कैसा है, यानी कि यूट्यूब का सेटअप आपका कैसा है, किस तरीके से आप वीडियो बनाती हो, कैसे एडिटिंग करती हो, किस पे एडिटिंग करती हो। तो मुझे लगा कि नहीं, ज़्यादा मतलब सस्पेंस इसको नहीं रखना चाहिए, आप लोग के साथ शेयर कर देना चाहिए, ताकि अगर आप लोग भी न्यू क्रिएटर हैं, आप लोग भी अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं या चैनल बना रहे हैं, तो आप लोग भी इस तरीके से घर पर अपना सेटअप बना सकते हैं। तो चलो, इंट्रो को ज़्यादा नहीं खींचती हूँ, आप लोग को सीधा दिखाती हूँ किस तरीके का मेरा सेटअप है। तो देखिए आप लोग, सो गाइस, ये है मेरा फुल सेटअप जहां पे मैं अपना वर्क करती हूँ, और ये है मेरा लैपटॉप, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एडिटिंग करती हूँ, और ये मेरी स्क्रीन है। यहाँ पे मुझे स्क्रीन मैंने इसलिए लगाई है ताकि मैं जब भी वीडियो एडिटिंग करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है बहुत ही स्मॉल साइज में दिखा जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा जूम करके हमें पता चल जाता है, बड़े बड़े चीज़ें दिखती हैं, तो मज़ा भी आता है काम करने में। और बाकी आप लोग जो ये इधर स्क्रीन और ये लैपटॉप देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड का है, और आप लोग को पता है आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में सारे लोग घर से ही काम कर रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड भी घर से ही काम करते हैं, और यहाँ पे ये उनका सेटअप है, वो यहाँ पे अपना वर्क करते हैं और मैं यहाँ पे करती हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहीं पे काम करते हैं। और वैसे भी गाइज, आप लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ पे तो बहुत कम बैठती हूँ, आपको पता है गाइज मैं मेकअप वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, तो आपको ये पता होगा ही कि एक जगह में बैठ के बंदा बना नहीं सकता है, ब्लॉगिंग तो एक जगह में बैठ के कर ही नहीं सकता है। और बाकी अगर मैं बात करूँ मेकअप वीडियो की, तो मेकअप वीडियो के लिए बैकग्राउंड ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं वॉल के सामने जाके मेकअप वीडियो बनाती हूँ। सो कुछ इस तरीके का है गाइस, मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है अपना जो सेटअप है यूट्यूब का, इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, मैं आपको एक बार फुली स्क्रीन में दिखाती हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने दो स्क्रीन लगाई हुई है, साथ ही साथ वहाँ पे हस्बैंड जी का लैपटॉप है। गाइस, आप लोग सोचेंगे ये क्या है, तो ये है लैंप, और ये लैंप मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने के लिए हमने ये लैंप लिया है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा हमें ज़रूरत है, क्योंकि रात में अगर हम पढ़ाई वढ़ाई करते हैं और साथ में हमारा कोई है वो सो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम फुल लाइट जला के पढ़ें, अपनी स्टडी करें, तो इस वजह से हमने ये लैंप लिया हुआ है। साथ ही साथ ये देखिए आप लोग, ये मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया था, यह मेरा GoPro कैमरा जो कि मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया था, ये मैंने लिया हुआ था, और बहुत ही अच्छा है, मतलब वर्क ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो ब्लॉगिंग मैं अक्सर इससे करती हूँ, वैसे ज़्यादातर मैं अपने फ़ोन से ही करती हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन फिलहाल जब मैं कभी बाहर जाती हूँ तो इससे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। और साथ में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे लैंडलाइन है, लैंडलाइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि हस्बैंड को कभी कभार काम पड़ जाता है, क्लाइंट्स का फ़ोन आता है, तो इस वजह से यहाँ पे लैंडलाइन लगाया हुआ है। और इधर आप लोग देख सकते हैं गाइस, यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन। आप सोचेंगे अब कि यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन किसे मिल गया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने काफ़ी दिन से सस्पेंस रखा था, और हाँ, मैंने अपनी किसी भी वीडियो में, चाहे ब्लॉग हो, मेकअप हो, किसी भी वीडियो मैंने आपसे कभी ये शेयर नहीं किया कि मेरा और चैनल भी है। हाँ जी, मेरे दो चार चैनल और हैं। सो उन दो चार चैनल में से जो मेरा एक बहुत ही ट्रेंडिंग चैनल है, उसका मुझे ये सिल्वर प्ले बटन मिला हुआ है, और मेरे 1.5 लाख, अभी मेरे उस पर 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। सो ये मेरा सिल्वर प्ले बटन है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये देख के कि मेरा एक और चैनल है। और हाँ, साथ में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा एसी लगा हुआ है, और आप सोचेंगे कि एसी, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है ना कि मेरे जो हस्बैंड है वो यहीं पे काम करते हैं, तो ज़्यादातर वो उनको यहीं पे बैठना होता है, मैं अंदर बैठती हूँ, आप लोग को मैंने ब्लॉग में बताया हुआ, अंदर भी हमारा एसी है, तो वहाँ पे मैं बैठती हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए, बाकी हस्बैंड के लिए यहाँ पे मतलब कम्फर्टेबल है। सो गाइज, मोस्टली जो मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, मेकअप वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉगिंग तो मैं बहुत कम इससे करती हूँ, जो मोस्टली मैं अपनी मेकअप वीडियो बनाती हूँ तो वो इसी कैमरे से बनाती हूँ। और जो मैं आपको बोली थी ना, काफ़ी दिन से मेरा स्टैंड नहीं था, तो मैंने ये स्टैंड ले लिया है, तो कुछ इस तरीके का स्टैंड है, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और यहाँ पर मेरा जो कैमरा है परमानेंट ऐसे ही सेट रहता है, ये अंदर पर मैं सेट रखती हूँ, यहाँ पर बहुत कम रखती हूँ, क्योंकि मैंने बोल दिया आपको यहाँ पर ऑफिस वर्क चलता है, तो कम ही रखती हूँ। और गाइज, कुछ इस तरीके से ही मेरा ये यूट्यूब का सेटअप है,
सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं एक बार आपको इस पूरे सेटअप का फुल लुक दिखा लूँगी, तब आप लोग को समझ आएगा कि किस तरीके का ये मेरा सेटअप है। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है, बस एक मीडियम सा कमरा है और यहीं पे हमने अच्छा सा अपना सेटअप बनाया हुआ है गाइस। अभी गाइस जितनी हमारी जितना हम कर सकते हैं उतना हमने किया हुआ है। जैसा मेरा चैनल, जो मेरा ये ब्लॉगिंग चैनल है, ये अच्छे से मेरा बढ़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ आगे जाके मैं अपना बहुत ही अच्छा एक स्टडी रूम बनाऊँगी। और जब मैं उस स्टडी रूम को बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी, बट अभी तो नहीं, अभी मैं सोच भी नहीं रही उस बारे में। लेकिन जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो करेगा तब मैं इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करूंगी। सो आई होप कि गाइज आप लोगों को मेरा सेटअप काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और हाँ, आप लोगों के मन में जो क्वेश्चन थे कि आप कहाँ पे बनाती हो वीडियो, कैसे एडिटिंग करती हो, तो यही है मेरा सारा तामझाम जहाँ पे मैं सब कुछ करती हूँ, यानी कि एडिटिंग करती हूँ अपनी वीडियो की। और कभी कभार मैं यहाँ पे वीडियो बना लेती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया अभी तक तो मैं बहुत ही कम बनाती थी क्योंकि गर्मी यहाँ पे थी और गर्मी यहाँ सनलाइट एकदम से आती है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो जाती थी। लेकिन अब जैसे मौसम सही हो रहा है तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाना शुरू करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये यूट्यूब का जो सेटअप है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलो अभी मैं आपको ये पूरा सेटअप का फुल लुक दिखा लेती हूँ। तो गाइस कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।